हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डिजिटेक। आज हम देखेंगे कोल्ड स्टोरेज डिजाइनिंग फॉर रूम टेम्परेचर बिलो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लिखा है, हम आज जो डिजाइनिंग कर रहे हैं कोल्ड स्टोरेज फॉर हाइटनिंग आइसक्रीम। हमने लोकेशन लिया है मुंबई, ठीक है। हमारे पास एक रूम है जिसका लेंथ है 14 फीट, विड्थ है 12 फीट और हाइट है 8 फीट, ठीक है। तो हमारे पास इसका एरिया आ गया है और वॉल्यूम आ गया है। इसके बाद क्या करना है हमें, एम्बियंट टेम्परेचर। मुंबई का जो आउटसाइड वेट ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है वो होता है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हमने 95 रख लिया है, ठीक है ना। और जो हमारा रूम का टेम्परेचर मेंटेन करना है फॉर आइसक्रीम हार्डनिंग, तो हम देखते हैं उसका टेम्परेचर हमें कितना लेना है, ठीक है। तो हमारे पास एक टेबल है, ये नीचे आप देख सकते हैं डिफरेंट टेबल्स है। इसमें हमने इंसुलेशन लिया है सीलिंग को 4 इंच का, फॉर्म इन प्लेस यूरेथीन, और वॉल के लिए भी वही लिया है और फ्लोर के लिए भी वही लिया है। तो इसका कैलकुलेशन भी हम देखेंगे कैसे किया जाता है। तो पहले देखते हैं हम के नीचे जो है हमारा ये टेबल है, इसमें हमें क्या करना है। जितना भी आइसक्रीम लेना है वो आपकी क्वांटिटी के हिसाब से आप ले सकते हैं। मैं 100 गैलन्स ले रहा हूँ, ठीक है। और ये ओवर रन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। इसका एक टेबल है हमारे पास ओवर रन का। तो रेफ्रिजरेंट रिक्वायरमेंट फॉर हार्डनिंग आइसक्रीम, ओवर रन परसेंटेज हम 100 ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इसका जो हार्डनिंग लोड BTU पर गैलन आइसक्रीम का 425 मिल जाएगा। तो हम जो है इसका ओवररन 100% रख रहे हैं, ठीक है। देन इसके बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इसका टेम्परेचर जो है हमें रूम का कितना मेंटेन करना पड़ेगा फॉर हार्डनिंग आइसक्रीम। तो हमारे पास ये टेबल नंबर 7 है, तो इसमें हम देख सकते हैं ये टेबल नंबर 7 है। आपको इसमें डिफरेंट टाइप्स की चीजें मिल जाएंगी जो भी आपको चाहिए। आइसक्रीम हार्डनिंग के लिए हमें स्टोरेज टेम्परेचर -20 to -15 डिग्री रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ रख लेते हैं -20, कंसिडर कर ले लेते हैं इस टेबल में से। तो हम लिखते हैं यहाँ -20 डिग्री, तो हमें टेम्परेचर डिफरेंस मिल गया है 115 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ग्राउंड टेम्परेचर हम कंसिडर कर रहे हैं आउटसाइड का जो टेम्परेचर है उससे 10 डिग्री फ़ारेनहाइट लेस, तो हम 85 ले लेते हैं ग्राउंड टेम्परेचर माइनस रूम टेम्परेचर। तो हमें ये टेम्परेचर मिल जाता है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या करना है, नीचे जाना है। हम HP कंसिडर कर लेते हैं, मोटर इंक्लूडिंग ऑल ब्लोअर्स एंड मोटर्स। तो हम इसको 0.2 जो है कंसिडर कर रहे हैं। और लाइट जो है हमारा लाइटिंग लोड वो हम अज्यूम कर रहे हैं 1 वाट पर स्क्वायर फीट। तो जो हमारा एरिया है ऊपर ये आप देख सकते हैं 168, तो हमारा जो लाइटिंग लोड है हम वो भी इतना ही कंसिडर कर रहे हैं 168 वाट, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल हम यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे हैं, अब अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। देन हम इसमें जाते हैं, हमारा सीलिंग का जो लेंथ है 14 फीट है और विड्थ जो है हमारा इसका 12 फीट है। नॉर्थ जो वॉल है हमारा वो 14 फीट है और इसका जो हाइट है वो 8 फीट है। फिर जो हमारा ईस्ट वॉल है इसका लेंथ 14 फीट है, इसका हाइट जो है 8 फीट है। देन हमारा जो साउथ वॉल है उसका लेंथ है 12 फीट और हाइट है 8 फीट। और जो वेस्ट वॉल है इसका लेंथ है 12 फीट और हाइट है 8 फीट। इसी तरह जो फ्लोर है हमारा उसका लेंथ है 14 फीट एंड विड्थ है 12 फीट, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ हमें फैक्टर रखना है, हमें टेबल नंबर 1 में जाना है, ठीक है। तो हमने जैसा कि देखा था कि रूम टेम्परेचर जो हमारा और आउटसाइड टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो 115 डिग्री फ़ारेनहाइट का है, और ग्राउंड टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट का है। और हमने फॉर्म इन प्लेस जो है यूरेथिन का इसको इंसुलेशन लगाया 4 4 इंचेस के लिए फॉर सीलिंग वॉल्स एंड फ्लोर। तो इसको हम टेबल नंबर 1 में वैल्यू देखते हैं। फॉर यूरेथिन फॉर्म इन प्लेस 4 इंचेस का लगाया है हमने। हमारा आउटसाइड जो टेम्परेचर है 11
जो आउटसाइड टेम्परेचर माइनस जो है हमारा रूम टेम्परेचर 115 आया था, हमने देखा था, तो उसके लिए हमें 83 वैल्यू मिलती है। और ग्राउंड टेम्परेचर माइनस हमारा रूम टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो 105 आया था, हमने देखा था, तो उसके लिए हमें वैल्यू मिलेंगे 76, 83 और 76। तो हम इस टेबल में जाते हैं, यहाँ जो भी हमें 83 मिला है तो ये हमें वॉल और सीलिंग के लिए मिला है, तो हमें वॉल और सीलिंग के लिए 83 कंसिडर कर लेते हैं। और हमें फ्लोर के लिए क्या मिला है, हमें फ्लोर के लिए 76 मिला है, तो हम फ्लोर के लिए 76 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पर आपको ये टोटल BTU मिल जाएगा इसका। देन इसके बाद हमारा वॉल्यूम है 1344, इसके लिए हमें फैक्टर है जो हमें टेबल नंबर 4 से मिलेगा। तो हम जाते हैं टेबल नंबर 4 पे, हमारा जो है 1300 एंड समथिंग वॉल्यूम है, तो हम 1500 कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि इसमें हम राउंड ऑफ वैल्यू ले रहे हैं। तो एयर चेंजेस पर 24 आवर्स हमको मिल जाएगा 14, तो हम इसको 14 यहाँ टेबल में फिल कर लेते हैं 14। देन हमें फैक्टर के लिए टेबल नंबर 6 में जाना होगा, टेबल नंबर 6 में हम जाते हैं, यह है हमारा टेबल नंबर 6। तो इसमें हमें मेंटेन करना है आउट रूम टेम्परेचर -20 डिग्री, और जो है हमारा आउटसाइड जो टेम्परेचर है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इससे हमें ये वैल्यू मिल गई है 4.27। तो हम 4.27 यहाँ फिल कर लेते हैं 4.27। इन तीनों वैल्यू को, इन थ्री वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पर हमें टोटल इसका BTU मिल जाएगा लोड। देन इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिकल मोटर है, जैसा कि हमने ऊपर दिखाया है 0.2 HP के, उसको 75,000 से मल्टीप्लाई करने पर हमें BTU में वैल्यू मिल जाएंगी। उसी तरह जो हमारा इलेक्ट्रिकल लाइट लोड है 168 वैट है, उसको 82 से मल्टीप्लाई करने पर हमें टोटल BTU की वैल्यू मिल जाएंगी। उसी तरह हमने पीपल्स कंसिडर नहीं किया है, इसलिए हम ये भी नहीं लेंगे। अगर हमें ग्लास डोर है उसी रूम को, तो हम वो कंसिडर करते हैं, नंबर ऑफ ग्लास डोर रखना है हमको, क्योंकि हम बिलो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इस वाले ब्लॉक में रखना है। और जितने भी डोर है उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें टोटल BTU मिल जाएगा इसका, लेकिन हम इस कैलकुलेशन में वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं। देन हमें नीचे जाना है, हमें इसमें गैलन्स ऑफ आइसक्रीम जो है हमें 100 लिया है हमने, तो 100 यहाँ ले लेते हैं। फिर हमें जाना है टेबल नंबर 19 में, तो हम जाते हैं टेबल नंबर 19 में। ठीक है, ओवररन परसेंटेज हमने लिया था 100%, और इसके लिए हमें वैल्यू मिलती है हार्डनिंग लोड BTU पर गैलन आइसक्रीम 425। तो हम 425 यहाँ फिल कर लेते हैं। देन हमें क्या करना है, यहाँ हमें यहाँ जो वैल्यू लिखनी है वो क्या लिखनी है, 24 अपॉन पुल डाउन टाइम। तो यहाँ मैं पुल डाउन टाइम 10 कंसिडर कर रहा हूँ, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जितना चाहे उतना कंसिडर कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये लिखना है। तो 24 डिवाइडेड बाय 10, तो मैं यहाँ 2.4 मेरा वैल्यू आ जाता है, तो ये मुझे टोटल BTU मिल गया है इसका। देन हमें ये टोटल लोड कैलकुलेट हो गया है, तो हमें क्या करना है, जो भी ये वैल्यूज है, ये ऑल वैल्यूज प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, तो हमें टोटल जो है ये इसका 1 2 3 4 5 जो आपको दिख रहा है 5 4 3 2 एंड दिस वन, ये टोटल लोड यहाँ कैलकुलेट करना है, तो आपको ये टोटल लोड यहाँ मिल जाएगा। इसका हमें 10% सेफ्टी फैक्टर लेना है, तो हमारा इसका 10% ये आ जाएगा। दोनों को प्लस करने पर हमें ये टोटल वैल्यू मिलेंगी, टोटल विद सेफ्टी फैक्टर BTU पर 24 आवर्स। तो हमें ये जो वैल्यू मिली है ये 24 आवर्स के लिए मिली है। अब हमें क्या करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग आवर्स टू ऑप्टेन BTU कूलिंग रिक्वायरमेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, इस सिस्टम को 16 आवर तक ही रन कर रहे हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 16, 18, 14 ले सकते हैं, तो मैं 16 आवर्स कंसिडर कर रहा हूँ। तो इस वैल्यू को हम 16 से जब डिवाइड करेंगे, तो हमें टोटल BTU ये मिल जाएगा BTU पर आवर। इस वैल्यू को 12,000 से डिवाइड करने पर हमें टन में वैल्यू मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं 1.56 हमें टोटल TR मिल गया है रूम का। तो इसी तरह जो है दोस्तों,
कोल्ड स्टोरेज डिजाइन की जाती है फॉर रूम बिलो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। और आपको कोई भी डिफिकल्टी है इस वीडियो से तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके जो भी शीट्स है, टेबल्स है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उसकी लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका जो है पासवर्ड जो है DGTech है, कैपिटल में विदाउट एनी स्पेस। थैंक यू।